हाय, बाय द वे आई थिंक यू नो मी, माय नेम इज फैजान अंसारी, फिर भी बता देता हूँ। और वैसे मैंने ये जो वीडियो है वो इनके लिए बनाया है जो कि लेना चाहते हैं एडमिशन BCA में, और वो बहुत सारे डाउट्स में हैं। जैसे वो होता है ना कि मतलब उनका जो स्ट्रीम है बायो से है या फिर आर्ट्स से है, या फिर हो सकता है कि वो कॉमर्स से, मैथ से भी हो, तब भी डाउट हो सकता है कि इसका BCA का जो मैथ है वो किस लेवल का आता है, उसको हैंडल कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। खासकर उनको ज़्यादा मतलब डाउट आता होगा जो कि बायो से है या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट साइंस से है, तो इनको बहुत ज़्यादा डाउट आता होगा। तो स्पेशली मैंने ये जो वीडियो है ये इन्हीं लोगों के लिए बनाई है। तो इस वीडियो में मैं अकेला मतलब बता सकता था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक्सपीरियंस एक बंदा शेयर कर रहा है जो कि खुद आर्ट वाला है, जो कि खुद बायो वाला है, जो कि खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, और वो आपको बताए कि मैंने ये 2 साल तक इतना झेला, मुझे ऐसा लगा, तो आपको कैसा लग सकता है कैसा नहीं लग सकता है। तो वो जो भी झेल चुका है ना मैथ में, वो सब कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है। हर स्टूडेंट जो होगा उसका 1 से 2 मिनट की वीडियोज होंगी, लेकिन उसको देखने के बाद जो आपको क्लियरेंस आएगा, जो आपका डाउट क्लियर होगा, वो ऑसम होगा। इसीलिए मैंने खासकर उस बंदे को चुना है जो कि आर्ट में है तो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बायो में है तो खुद शेयर करेगा, कॉमर्स में है तो खुद शेयर करेगा। इवन मैंने मैथ वालों को भी जोड़ा है ताकि उन्हें ना लगे कि उनके लिए ना वीडियो बना है, तो मैंने मैथ वालों को भी जोड़ा है, वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लगभग 2 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं, और मैथ कहीं ना कहीं 4 सेमेस्टर तक आपको यहाँ पर मिलेगा, तो वो पूरा का पूरा मैथ BCA का जो है झेल चुके हैं। उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि कैसा होने वाला है आपके लिए। तो चलो ठीक है, फिर पहले स्टूडेंट्स का क्लिप देखो, बाकी हम लोग एंड में मिलते हैं, इसका कॉन्क्लूजन देखेंगे, और फाइनली मेरा भी देख लेना एक्सपीरियंस, मैथ वाला बंदा हूँ तो मैथ वाला बंदे का भी एक्सपीरियंस मेरा भी देख लेना एक्सपीरियंस एट द एंड। सो फिर मिलते हैं एंड में, तब तक क्लिप देखो, बाय। हाय एवरीवन, माय नेम इज हामिद रजा, BCA स्टूडेंट, और आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं जो कि हम अभी BCA कर रहे हैं 4 सेमेस्टर में। तो हम जो थे, हमारा जो 12th था वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से जब आने के बाद लोगों का यही डाउट रहता है कि BCA में मैथ मतलब आसान होती है उन लोगों के लिए या फिर हार्ड रहती है, तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो हम जो थे पहले 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो जब BCA में आए हैं तो BCA का मैथ उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डेली क्लास जाते हैं, क्लास अटेंड करने के बाद आके घर पे 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों को एकदम इजी समझ में आ जाएगा सब, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस BCA में 3rd सेमेस्टर जो है उसका मैथ थोड़ा हार्ड है, कॉमर्स वालों के लिए तो एकदम हार्ड लगेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलस वगैरह है जो कि एकदम पल्ले नहीं पड़ेगा, बाकी और सब तो लॉजिकली बेस्ड है, और थोड़ा मतलब जैसे 2nd सेमेस्टर में ट्रुथ टेबल वगैरह है वो तो आसानी से हो जाएगा, 1st सेमेस्टर में जो है फंक्शन और मैट्रिक्स वगैरह वो तो मतलब समझ में आ जाता है आसानी, बस कैलकुलस वगैरह जो 3rd सेमेस्टर की मैथ है वही बहुत सबसे हार्ड मतलब मानी जाती है, वही लग रही है, हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, हमको सबसे हार्ड मैथ वही लगा, बाकी और तो सब आसानी। हेलो गाइस, माय नेम इज कासिफ अली एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BCA सेकंड ईयर, और जैसे कि मेरा 12th में मैथ स्ट्रीम था, सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस BCA में मैथ उतना कुछ मतलब खास नहीं है, ठीक है 12th में हमारा था तो हमको नॉलेज था उसका बेसिक्स, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, आर्ट से हैं या बायो से हैं, कॉमर्स से हैं, तो भी आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, उसमें 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इजी हैं, जैसे सेट्स है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, वो आप इजीली कर सकते हैं, और थोड़ा इसमें टफ भी है भाई, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वगैरह थोड़ा समझने में दिक्कत होता है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहते हैं, पर थोड़ी मेहनत से भाई सब सही हो जाता है, वो भी कर ले जा। सो या दैट्स ऑल, सो बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं BCA का छात्र हूँ। दोस्तों अगर बात करें BCA में मैथ की, तो आपने 10 और 11 में अगर थोड़ा भी मैथ पढ़े हैं तो आप BCA के मैथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बात करूँ अगर इसमें टॉपिक्स की, तो सेट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, AP, GP इत्यादि जो बेसिक टॉपिक्स आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा ये सब आते हैं। और अगर मैं बायो का छात्र होकर के BCA कर सकता हूँ तो आप भी BCA कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिशिता. करेंटली आई एम परसुइंग बीसीए. आई एम इन सेकेंड ईयर. सो एज यू ऑल नो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग माय कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल एज माय जर्नी इन माय बीसीए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट. मैंने ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया था बिकॉज दैट टाइम आई वॉन्ट टू गो फॉर बैंक जॉब. सो दैट्स वाई आई चूज कॉमर्स स्ट्रीम इन माई ट्वेल्थ. बट आफ्टर ट्वेल्थ आई वॉज डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू डू अ जॉब इन IT sector. Then I choose BCA in my graduation because I belong to commerce stream. That's why I choose BCA. So, but when that time I was little bit confused about the core subject included in BCA. And when I was in my first year in my college, I saw there will be a mathematics subjects and I belong to commerce stream. So, तब मेरे को लगा कि मैं मेरा maths निकलेगा नहीं निकलेगा. नहीं निकला तो क्या होगा, कहीं back नहीं लग जाए. But it was not very difficult. अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका भी निकल जाएगा. Quite difficult है because basics clear नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते हैं. और ट्वेल्थ में चूंकि मेरा कॉमर्स था तो मैं हमेशा डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस इन सब में रही. सो बट आफ्टर सम डेज जब मैंने खुद प्रैक्टिस करा, सारे बेसिक्स थोड़े थोड़े क्लियर करे, और जो बीसीए का पूरा करिकुलम होता है, पूरा सिलेबस होता है, डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है कि पूरे जितने भी बीसीए में सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, एज़ यू ऑल नो, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम एज वेल एज द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन बीसीए. सो दैट्स वे पूरा जो सिलेबस होता है वो इसी तरीके से डिसाइड होता है कि सारे स्ट्रीम्स के बच्चों को ईजिली ईजी गोइंग तरीके से वो अपना सिलेबस पूरा कर ले और पास हो जाए. सो उसमें बहुत बेसिक से बताया जाता है, तो वो बहुत डिफरेंट या बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते. हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि और रही बात, क्योंकि बाकी भी सिलेबस, बाकी भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. तो एक मैथमेटिक्स की वजह से आप बीसीए करना ना छोड़े. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू बीसीए इन फ्यूचर, सो देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर बीसीए. इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड रही बात मैथमेटिक्स की, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है. और आप अगर थोड़ा सा शुरू से बेसिक्स अपना क्लियर रखोगे तो वो ईजी गोइंग तरीके से हो जाएगा. कुछ पॉइंट्स हैं जिसके तरीके से अगर आप बीसीए ले रहे हो या आप बीसीए में आ चुके हो तो वो आप मैथमेटिक्स इजी तरीके से निकाल सकते हो. फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आप ये कैटेगराइज कर लो कि कौन सी फॉर्मूला या कौन सी थ्योरम है जो आपको याद करनी है. मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको रटनी होती है उस पूरे सिलेबस में, ओवरऑल सिलेबस में, तो वो आप कैटेगराइज कर लो और उनको याद कर लो. फिर सेकेंड पॉइंट ये कि 5 यूनिट होते हैं हमारे पूरे सिलेबस में, तो वो पूरे 5 यूनिट में से आप वेटेज देख सकते हो कि कौन सी यूनिट का वेटेज कितना ज़्यादा है. जिनके यूनिट का वेटेज ज़्यादा है उनको आप पहले प्रिपेयर कर लो, फिर क्योंकि उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी फॉर्मूला या थ्योरम आपने कंसीडर किया या कैटेगराइज किया है, तो आप उसको ये कर सकते हो कि आप 4 to 5 क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप इजी गोइंग तरीके से अपना मैथमेटिक्स निकाल सकते हैं. तो आई होप कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा ठीक लगा होगा कि नहीं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं एंड इफ़ यू आर लिटरली वांट टू बिल्ड योर करियर इन आईटी सेक्टर, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर बीसीए. इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड इफ़ यू आर लिटरली पैशनेट अबाउट योर गोल्स एज वेल एज अबाउट योर करियर, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट. हेलो जी, मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं बीसीए 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ. और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बीसीए में मैथ कठिन होता है कि एकदम आसान होता है. तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि बीसीए में मैथ कठिन है कि आसान. तो मेरा ट्वेल्थ में मैथ था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बीसीए 4 सेमेस्टर में मैथ एकदम आसान ही था मेरे लिए. और सेकेंड सेमेस्टर जाते जाते थोड़ा सा उसका लेंथी प्रोसेस हुआ, और थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है दूसरे बच्चों को जो मैथ नहीं लिए होंगे ट्वेल्थ में. लेकिन हाँ, वो भी ज़्यादा कठिन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ लॉजिक देखना होता है और कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है. और फोर्थ सेमेस्टर में जाते जाते आपका मैथ थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बस कह सकते हैं बीसीए में मैथ में कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो मैथ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट
ही ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल होता है कह सकते हैं, और अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन सिर्फ रिपीटेड आते हैं, एक क्वेश्चन के रिपीटेड वर्जन आते हैं। तो बीसीए में कह सकते हैं मैथ उतना कठिन तो नहीं होता, हाँ शायद दूसरे स्ट्रीम वालों के लिए मुश्किल हो जो आर्ट से हो कॉमर्स से, लेकिन जो मैथ वाले हैं वो आसानी से कर सकते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस, चलिए ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, माय नेम इज हिलाल कुमार, बीसीए सेकंड ईयर। गाइस कुछ लोगों के डाउट्स ये होते हैं कि बीसीए में आर्ट साइंस के बच्चों के लिए क्या बीसीए हार्ड है या फिर ईजी है, उसमें मैथमेटिक्स कितने आते हैं कितने होते हैं। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं, जो कि मैं खुद इंटरमीडिएट में आर्ट साइंस सीखा। तो ये डिपेंड करता है कि आप टेंथ लेवल तक आपका मैथ कैसा रहा है, आपने टेंथ लेवल तक अपना मैथ कैसे पढ़ा है, कैसे उसको मैथ को मेंटेन किया हुआ है, उस हिसाब से आप अगर इलेवेंथ में आर्ट साइंस से पढ़े हुए हैं तो बी सी ए में मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आपने टेंथ लेवल पे मैथ को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको बी सी ए में मैथ के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट लेवल ट्वेल्थ लेवल के जो मैथ होते हैं वो आते हैं, जैसे कि सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब जो ट्वेल्थ लेवल के मैथ के जो चैप्टर होते हैं ये आते हैं। और मैं खुद मैथ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा, क्योंकि मैं एक एवरेज मैथ में एक एवरेज स्टूडेंट था टेंथ लेवल तक। तो इसे कहा जा सकता है कि मैथ एक ना ज़्यादा हार्ड आता है ना ज़्यादा ईजी आता है, अगर आप मैथ करेंगे तो आप मैथ बी सी ए क्लियर कर सकते हैं। और बी सी ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बाकी आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा कुछ भगवान की बात नहीं है, अच्छे से मेहनत करेंगे तो बी सी ए आराम से कम्प्लीट कर सकते हैं, आर्ट साइंस के स्टूडेंट भी, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एवरी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आई एम मंजीत सिंह एंड आई एम बी सी स्टूडेंट एंड करेंटली स्टडी इन फोर्थ सेमेस्टर। माई ट्वेल्थ स्ट्रीम इज मैथ, माई ट्वेल्थ स्ट्रीम इज मैथ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ट्वेल्थ के मैथ में और बी सी ए के मैथ में क्या रिलेशन है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बी सी ए कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से कर लेना, एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक है, बेसिक मैथ आता है बी सी ए फर्स्ट सेमेस्टर में। जब आप एडमिशन लेते हैं बी सी ए में तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर क्लास अटेंड करते हैं तो आपको नॉर्मली मैथ पढ़ने को मिलेगा, सेट रिलेशन फंक्शन एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड स्टैटिक्स। एंड सेकंड सेमेस्टर में आप जब जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आप जब जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा रिलेटेड होगा, कोरिलेटेड होगा फर्स्ट सेमेस्टर से। इसमें फिर आपको पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, रिलेशन, फंक्शन एज इट इज। एज इट इज़ मैं बोलूँ थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा अपर उसका लेवल हाई है। मैं कहूँ हाई क्या है, मतलब आपके लिए थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। आप अगर माइंड अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके लिए मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। एंड फोर्थ सेमेस्टर इज़ द ट्रिकी मैथ, थोड़ा सा आप दिमाग दे ट्रिक लगाएंगे तो आपका मैथ ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड मैं बता दूं, अगर आप एक एक लेक्चर डेली टू हर सेमेस्टर सारे सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज अच्छे से लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपके लिए बीसीए बहुत इजी हो जाएगा, आप अच्छे से। हे गाइस, माय नेम इज फैजान अंसारी, अ बीसीए स्टूडेंट्स जो कि अभी फोर्थ सेमेस्टर में है। अब मेरा डेट शीट कभी भी आ सकता है और एग्जाम देने के बाद मैं सीधा फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर में चला जाऊंगा। और अगर बात करें मेरा जो ट्वेल्थ का स्ट्रीम जो था वो मैथ से था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप एक मैथ स्ट्रीम से आए हुए बंदे हो और आप बीसीए ले रहे हो तो इसका मैथ आपके लिए कितना ज्यादा टफ हो सकता है या फिर बिल्कुल आसान हो सकता है। तो मैं आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मुझे कैसा लगा बीसीए का मैथ। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल मैथ लगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगा। इसको आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़े रहोगे उसी से सिमिलर होकर के आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए टफ नहीं होने वाला है, आसान होने वाला है, मुझे आसान लगा। और थर्ड सेमेस्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा टफ आया, लेकिन टफ कहें तो बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लॉजिकल था, बहुत ज्यादा माइंड लेगा, नहीं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, एक ही काम को बार बार रिपीट करके करना पड़ता था। और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी वैसा ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलने लगेगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होता है, सिंपल लॉजिक होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है, काम रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा,
लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते, आपके लिए ये भी आसान होने वाला है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे बहुत ज्यादा आसान लगा। और मेरे हिसाब से अगर आप मैथ करके आए हुए हो और आपने वहां पे थोड़ा भी फोकस किया हुआ है ना, तो बीसीए का मैथ आप यूं निकाल लोगे, बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो के लिए मैंने बड़ा मेहनत की, आई डोंट नो व्हाई, पर अच्छा लगा। तो नॉर्मली एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दो, बाय।